उज्जैन जिले में अब डेंगू बुखार तेजी के साथ पैर पसार रहा है। जहां पर नागदा शहर में दो दिन पहले रजनीश नाम के पटवारी की मौत हुई थी, वहीं डेंगू से एक और मौत नागदा शहर में हो गई है। चंद्रशेखर आजाद मार्ग पर रहने वाली 10वीं की छात्रा 14 वर्षीय आदिति पिता संदीप मकवाना डेंगू बुखार से पीड़ित थी और उपचार चल रहा था। काफी उपचार चला, छात्रा ठीक नहीं हुई और छात्रा की मौत हो गई। वहीं माकड़ोन थाना क्षेत्र के कपेली गांव के अंदर रहने वाले 19 वर्षीय युवक अरुण पिता भारत सिंह पवार को भी डेंगू बुखार के लक्षण पाए गए थे और उपचार चल रहा था। हॉस्पिटल के अंदर काफी उपचार चला इंदौर और उज्जैन दोनों में ही, और युवक को नहीं बचाया जा सका। जैसे उज्जैन जिले में दो दिन के अंदर तीन लोगों की मौत हुई है, वैसे ही लोग सकते में आ गए हैं। मृतक परिवार के सदस्यों में शोक और गम है। वॉइस ऑफ राइट्स के उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।